हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बीएड का लेसन प्लान है जो कि साइंस का है, कक्षा 7 का लेसन प्लान है और मैंने जल प्रदूषण टॉपिक लिया है। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड लेसन प्लान समझाने जा रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कोई सजेशन है, इस तरह का कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके पहले भी मेरे कुछ लेसन प्लान्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कीजिए और जो भी आपको जहाँ से भी जो भी मेरी तरफ से अगर हेल्प हो रही है तो आप वो हेल्प को मेरे चैनल के थ्रू पूरी तरह से लीजिए। एंड या नाउ वी कैन बिगिन आवर लेसन प्लान। सो कक्षा 7 का है ये और कालांश आप अल्टर कर सकते हैं, टोटली योर कॉल है। दिनांक आप अल्टर कर सकते हैं, वर्ग आप अल्टर कर सकते हैं। अवधि में ये होता है कि एवरेज हम आइडियल जो हमारा टाइम है वो 40 मिनट्स का लेकर चलते हैं। सामान्य उद्देश्य सेम है, ये आप चाहो तो इनमें ऐड कर सकते हो। 5 वैसे ठीक रहते हैं। मेरे पिछले वाले जो एक और मैंने फिजिक्स से रिलेटेड जो लेसन प्लान बनाया था वहां से ये ले सकते हैं, क्योंकि लगभग साइंस का कोई भी डोमेन हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सामान्य उद्देश्य सब जगह सेम रहेंगे। चेंजेस आएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्यों में। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है हम अपनी तरह से चैप्टर के से रिलेटेड जो है हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें घटा बढ़ा, घटा नहीं सकते, बढ़ा जरूर सकते, क्योंकि ये मैंने एकदम लिमिटेड लिखी है। इसमें सिर्फ एक दो आप और ऐड कर सकते हैं। प्रशिक्षण विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है और ज्यादातर आपको यही देखने मिलेगी। सहायक सामग्री में मैंने लिया है चॉक, डस्टर, चार्ट, श्याम पट्ट। चार्ट के अलावा आप कोई मॉडल अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, कोई साइंटिफिक इस तरह का मॉडल हो, या फिर अगर आपके आप जिस स्कूल में लेसन प्लान देने जा रहे हैं अगर वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगर फैसिलिटी हो तो आप अपने तरफ से स्लाइड्स कुछ प्रिपेयर करके लेके जा सकते हैं, कुछ कुछ ऑडियो विजुअल कुछ ऐड अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पूर्व ज्ञान में आप ले सकते हैं जो भी, अब क्योंकि जल प्रदूषण से रिलेटेड हम बात करें और बच्चों को आजकल देखिए जल प्रदूषण ऐसा उनके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने चीजों के बारे में सुना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा हिंट देंगे तो वो इस इन सब चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये सब अभी तक हम हमारे फ्रंट पे बात कर रहे थे, अब हमारी जो ये जो चीजें स्टार्ट होंगी ये होंगी क्लासरूम फ्रंट पे, जब हम बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। और हमारे जो जब पढ़ाने वाले फ्रंट पे बात आती है तो सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो हमें बच्चों से इनडायरेक्टली पूछने होते हैं। हम सीधे सीधे जाके कुछ नहीं पूछेंगे, हमें जो भी पूछना है हम सारी चीजें इनडायरेक्ट वे में पूछेंगे और उन्हें समस्यात्मक प्रश्न से तक हम लेकर के आएंगे। फिर भी मैं बता रही हूँ कि जरूरी नहीं कि बच्चों को समस्यात्मक प्रश्न आए ही, हो सकता है बच्चे खुद ही बता दे कि आज हम क्या पढ़ने वाले, तो वो बहुत अच्छी, एक मैं बताऊंगी बहुत आइडियल स्टेज है अगर बच्चे ऐसा बता देते हैं। और बताना भी चाहिए क्योंकि जल प्रदूषण इज सच ए कॉमन टॉपिक, तो वो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे मौनी, ये डायनामिक है। आप अपने बच्चों को आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर आप जहाँ पे बीएड के लिए अपने जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। उद्देश्य कथन में हम बताएंगे कि आज हम उन्हें जल प्रदूषण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण यहाँ से स्टार्ट होता है। अब प्रस्तुतिकरण कुछ अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स यूज करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये मैंने सारा उसी में से लिया हुआ है। अब श्याम पट्ट कार्य यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है, सीधा आप श्याम पट्ट कार्य को यहीं पे ऐड कर दीजिए ब्लैक शीट पे, जो भी सिल्वर पेन आता है उससे लिख के, या फिर सीधे ही कोई ब्लैक कलर का जो डॉट पेन या मार्कर टाइप्स आता है उससे सीधे आप यहाँ लिख दीजिए तो भी ठीक है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैंने जल प्रदूषण के कारण के बारे में बताया कि जल प्रदूषण है क्या, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे हम हम जरूरी नहीं कि हम ही समझा और बच्चे सिर्फ सुने, ये एक वन टू वन एक्टिविटी है, तो बच्चे जो है हमसे हमेशा कनेक्ट होके चलेंगे, इससे क्लास में बोरियत नहीं होती, वरना बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो उनको एंगेज रखने के लिए हमें ये क्वेश्चंस जो बीच बीच में थ्रो करना जरूरी है कि अगर बच्चे इन एनी केस डिस्ट्रैक्ट भी हो गए तो वो फिर से लाइन पर आ जाए। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय भी हम उनसे ही पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो इसमें ऐसा कोई आपको कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है तो बच्चों को पता नहीं होगा ये सब चीजों के बारे में, उन्हें अच्छे से पता है और हम इसको एक एक हेल्दी इंटरेक्शन के थ्रू समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जल प्रदूषण, अगर आप बीएड के लिए अगर आपको कुछ चूज करना है अगर समझाने के लिए, तो
तो जो भी ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सब बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम आते हैं, तो जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से कर लूंगी। कक्षा कार्य जो है, कक्षा कार्य में मैं बच्चों को कुछ ऐसा दे दूंगी कि जो बच्चे वहीं के वहीं मुझे फटाफट से आंसर लिखकर बता दें, या जो भी मैं उनसे चार्ट बनाने को जो है इजी टू मेंड हो, मतलब ज्यादा उसमें कोई रिसोर्सेस ना लगे, ऐसा मैं उन्हें कक्षा कार्य करने को दे दूंगी। गृह कार्य में मैं उन्हें कुछ ऐसा दूंगी जो उनको एक तरह से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, जो उनको थॉट प्रोवोकिंग लगे, जो उनको ऐसा लगे कि अरे हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं था, जिसको थोड़ा वो सर्च करें, ऐसा मैं कुछ देने के लिए ट्राई करूंगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। तो अगर आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बीएड की जर्नी में है और उसको लेसन प्लान की जरूरत है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को रेकमेंड कीजिए। इंग्लिश मीडियम के और ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं, मेरे 40 लेसन प्लान हैं मैथ्स और साइंस के मिला के। और हिंदी मीडियम के मैंने अभी अभी डालना शुरू किए, तो अभी तक मैं दो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। ये मेरा थर्ड हिंदी का लेसन प्लान है, हिंदी मीडियम का सॉरी। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड है, कोई आपका क्लासमेट हो सकता है, कोई आपका कॉलीग हो सकता है, तो अगर उसको जरूरत है तो प्लीज आप मेरे चैनल को रेकमेंड कीजिए। या गाइस, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।